देहरादून में स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित कैथ लैब का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। इसके तहत आईसीयू मेमोग्राफी यूनिट और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया गया। इस कैथ लैब से हार्ट के मरीजों की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिल जाएगी। दून अस्पताल में मैदानी जिलों की नहीं बल्कि पर्वतीय जिलों में भी कई मरीज रोजाना आते हैं। मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार की बदौलत स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। एक ओर जहां ऋषिकेश में एम्स में 100 करोड़ के मेडिकल केयर यूनिट का शिलान्यास हुआ, तो वहीं दून अस्पताल में कैथ लैब का लोकार्पण हुआ। इससे मरीजों को काफी लाभ पहुंच रहा है। उत्तराखंड राज्य में हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में आज मैंने दो कार्यक्रम में दो हेल्थ फैसिलिटी उत्तराखंड के लिए उपलब्ध हो उसके लिए शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में 150 बेड का 100 करोड़ से अधिक रकम से तैयार होने वाला क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर समेत सारी व्यवस्था हो, ऐसे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है।